हाँ जी, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारी नई टेक वीडियो में। तो भाई, आज वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है या बैन हो जाता है, तो उसको अनबैन कैसे कर सकते हैं अपन लोग, इजिली बैन अनबैन कर सकते हैं। देखो यार, बेसिकली यूट्यूब पे ना काफ़ी सारे वीडियो हैं, उन वीडियो में एक वीडियो में भी सोल्यूशन नहीं है इस बात का कि हम लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी 100% अनबैन कैसे कर सकते हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इस स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे, तो आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट 2 से 3 घंटे में अनबैन हो जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट जब सस्पेंड होगा तो आप लोगों के पास एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप लोगों का जो अकाउंट है वो जल्दी ही सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड सून। ठीक है, आप लोगों के पास ये मेल आते ही आप लोगों का अकाउंट 15 मिनट के अंदर अंदर सस्पेंड हो जाएगा। और सस्पेंड क्यों होता है, इसका रीज़न कुछ नहीं है, मतलब बाई मिस्टेक भी सस्पेंड हो सकता है, या आप लोग कुछ गलत चीज़ें शेयर करोगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी को भी, या गाली वाली दोगे तब भी आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये गलती तो करना ही मत है। अगर बाई मिस्टेक सस्पेंड हो जाता है तो उसको अनसस्पेंड जल्दी ही करवा सकते हैं अपन लोग। तो आप लोगों के पास ये मेल आने के बाद आप लोगों के पास स्क्रीन पे एक ऑप्शन शो करेगा जो कि कुछ ऐसा होगा, डिसएग्री विथ डिसीजन। तो भाई, आप लोग इस चीज़ से डिसएग्री हो और आप लोग एक डिसीजन लेना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालो जो कि अपने अकाउंट में लिंक है। तो आप लोग अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा अपनी ई मेल आई डी पे, वो आप लोग ओटीपी डाल दोगे वहाँ पर। उसके बाद एक ऑप्शन और आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी एक ब्लैंक पेपर पे अपनी यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी लिख के और एक फ़ोटो खिंचवाओ ऐसे, और वो हम लोगों को इसमें फोटो जो डॉक्यूमेंट फाइल दे रखा होगा वहाँ पर उसमें फिल करके सबमिट करो। अगर आप लोग वो भी कर देते हो तो आपके पास एक ऑप्शन और आएगा आई एम नॉट रोबोट का, वो तो आप लोग इजीली कर सकते हो, तो आप लोग वो भी कर दोगे। उसके बाद आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन शो करेगा, वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर रहे हैं। और इसमें लिखा होगा कि आमतौर पे हम लोगों को रिव्यू करने में 1 दिन का समय लगता है, अगर आप लोग यहाँ पर सही पाए जाते हो, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही पाई जाती है, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आप लोगों का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। बट वो जो रिव्यू का ऑप्शन आता है वो आपके 1 दिन में भी नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, 3 दिन में भी नहीं होगा, एटलीस्ट 30 दिन में भी नहीं होगा रिव्यू। तो भाई, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई रिव्यू तो होगा ही नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हम लोग फिर भी रिव्यू नहीं होगा। तो अब मैं मेरी बात बताता हूँ कि हम लोग अनबैन कैसे कर सकते हैं इसके अलावा। ये तो आप लोग कर ही लेते हो, ये तो सब लोग बता देते हैं यूट्यूब पे। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो 100% आप लोगों को सोल्यूशन देगा ही। तो बात करते हैं उस मैटर पे, तो वो आप लोग सही से देखना और सही से फॉलो करना, इससे आप लोगों का अकाउंट जल्दी जल्दी रिएक्टिवेट हो जाएगा, अनबैन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो जब आपकी आईडी बैन होती है, सस्पेंड होती है, तो आपके पास एक मेल आता है जो कि फेसबुक की तरफ से आता है और उसमें चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है, बट आप लोग उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि क्योंकि जो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है ना वो तो आपको समझ में नहीं आता, समझने के साथ साथ आप वो आता है भाई फेसबुक की तरफ से, तो आप लोग ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते। बट आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है ना, वो तीनों एक ही चीज़ से बने हैं, मीटा से। ठीक है, एक ही कंपनी चलाती है, तो उसका एक ही मेल होता है फेसबुक का, वहाँ से आप लोगों को मेल आएगा। तो आप लोग कहोगे कि भाई उस मेल से हम लोगों को क्या फ़ायदा है? भाई जो वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है ना, वो पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से लिखा होता है चाइनीज लैंग्वेज में। अगर आप लोग गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो तो आप लोग हिंदी में कर सकते हो उसको, हिंदी में करने के बाद कुछ ऐसा लिखा रहेगा, हिंदी में करने के बाद कुछ ऐसा लिखा रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को उस मेल का रिप्लाई करना है। वो कैसे करना है तो मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास वो मेल आ गया तो आप लोग एक काम करना, उसके बाद आपकी एक फ़ोटो क्लिक करना, जो कि ये फ़ोटो शो कर रहा हूँ मेरी, मैं आपको इस फ़ोटो में
आपकी एक आईडी कार्ड है, जैसे कि लाइसेंस होता है या आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, वो अपने हाथ में लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे लेके और एक फ़ोटो क्लिक करवाना। और फोटो क्लिक कराने के बाद जो आपके पास मेल आया है उस मेल में, मेल के रिप्लाई में आपकी वो फ़ोटो उसको सेंड कर देना फेसबुक को, जो आप लोगों को चाइनीज लैंग्वेज में जो मेल आया ना, चाइनीज में आए या इंग्लिश में आए, आप लोगों को वो फ़ोटो सेंड करनी है उन लोगों को, ताकि वो आपकी पहचान कर पाएँ। और उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम बैन हुआ है ना, वो अनबैन हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी। तो भाई उसमें है ना, एक मेल करोगे, दो मेल करोगे, तीन मेल करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। भाई आप लोगों को एक चीज़ और करना है, काफ़ी सारे मेल करने के बाद आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है ना, तो आप लोगों को फ़ोटो वगैरह सेंड करनी है, पर फोटो के साथ साथ कुछ कैप्शन लिखना है, कुछ लिखना भी है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को ये चीज़ कैप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो आप लोग वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना, अपनी आईडी लिख देना, उसके बाद वापस उसी मेल को मेल पे सेंड कर देना, उसी मेल के रिप्लाई पे सेंड कर देना। ये करने के बाद आप लोग तीन चार पाँच दस मेल कर देना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेल कर देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेल जाएगी उनके पास उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे वो लोग। और इसका टाइम रहेगा भाई 9-10 बजे के समथिंग करना, रात को 9-10 बजे के समथिंग करोगे आप लोग ये मेल उनको, तो आप लोगों का अकाउंट 11 से 12 बजे तक उसी दिन में 11 से 12 बजे तक अनसस्पेंड हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ये मेल दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम की तरफ से आपको एक मेल आएगा, इसमें लिखा होगा इफ लुक्स लाइक योर अकाउंट वाज डिसेबल बाय मिस्टेक, योर अकाउंट हैज बीन रीएक्टिवेट। तो वहां पर लिखा होगा कि आप लोगों का अकाउंट है वो बाय मिस्टेक इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया था, बट आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो ऐसा कुछ मेल आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों के पास वो मेल ना आए फेसबुक वाला, तो मैं आप लोगों को वो मेल है ना अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही होगी, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग अपनी मेल पे जाके उन लोगों को रिप्लाई करना है, और वो उसी मेल से करना है जो आपकी मेल इंस्टाग्राम से लिंक है। अगर आप लोग की इंस्टाग्राम से मेल लिंक नहीं है, तो मैं आज ही कहता हूँ आप आज ही से उसको लिंक करके रखो, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, आपका अकाउंट उसी से जल्दी वापस आ सकता है। अदरवाइज आपका 30 दिन भी हो गया है, तब भी आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना, किस किस का अकाउंट वापस आया जो मैंने जो ट्रिक बताई है उससे, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताना। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर भाई नहीं आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को टैक्स रिलेटिव, जो आपका 100% सोल्यूशन देगी, 100%। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।